फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ सारिका। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही रसीली रबड़ी मालपुआ, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में। बाजार में मिलती ना एकदम उसी तरह। आप भी मेरी तरह एकदम रसीली और टेस्टी रबड़ी मालपुआ बनाना चाहते हो तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो मैंने ये पैन में 2 कप दूध लिया है, तो ये 500 ml दूध है। अभी गैस का फ्लेम ऑन करके इसे अच्छे से उबाल देना है। रबड़ी बनाते हुए आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिए ताकि तले में चिपके ना। कि दूध में अच्छे से उबाल आने लगा है तो अभी गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। हमें इसे धीमी आंच में इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबाल देना है और साइड सरफेस से इसे निकालते रहना है ताकि साइड सरफेस में इसकी पपड़ी ना जमे। इसे करीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबालना है, यानी कि 2 कप दूध लिया, इसे 1 कप तक हमें दूध को उबालना है। ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। 2 कप से 1 कप दूध, करीबन 30 से 40% तक दूध कम हो गया है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करेगी और इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने एक बोल में लिया है। अब इस दूध को अच्छे से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। ये मैंने गैस पे पतीला चढ़ाया है, इसमें लेंगे 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी। अब इसे मीडियम फ्लेम पर इसे चीनी मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस चीनी घुलने तक हमें अच्छे से पकाना है। अब इसमें और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, येलो फूड कलर, आप इसके जगह ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चीनी को खाली मेल्ट किया है, ये एकदम शहद के जैसे चिपचिपी है, कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ हल्की सी चिपचिपी है, कोई 1 तार 2 तार नहीं है, मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, आगे के तैयार कर लेते हैं। जो बोल में हमने दूध रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया, एकदम रूम टेम्परेचर है। अभी हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने ये 1/2 कप मैदा लिया है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 2-2, 3-3 चम्मच डालकर विस्कर की सहायता से अच्छे से बैटर तैयार करना है। हमें विस्कर से अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि लम्स रहेगी तो हमारा अच्छे से मालपुआ तैयार नहीं होगा। हमें बहुत ही अच्छे से फेंटना है। मैंने इसमें सारा 1/2 कप मैदा डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट लेना है, करीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है। मैं आपको नज़दीकी से बताती हूँ, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। हमें इसी तरह बैटर तैयार करना है, ना पतला है ना गाढ़ा है। अगर आपको लगे आपका बैटर थोड़ा पतला है तो आप इसमें 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अभी इसे ढककर इसे करीबन 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से रख देते हैं, फिर से बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर एकदम परफेक्ट तैयार है। चलिए हम मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पैन में देसी घी लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसे चम्मच की सहायता से सेंटर में डालना है। हमें इसे फैलाना नहीं है, बस इसे सेंटर में डालते जाना है, वो अपने आप शेप ले लेता है। और अभी इसे सरकाना नहीं है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। जब नीचे से फ्राई होने लगे अपने आप ऊपर तैरने लगेगा। ये देखिए नीचे अच्छे से फ्राई होने लगा तो अपने आप तैरने लगा है। ये देखिए कितने अच्छे से तैर रहा है, मतलब नीचे से अच्छे से फ्राई होने लगा है। अब इसे चिपटे के सहायता से इसे हल्के हाथों से पलट लेना है और दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें गैस का फ्लेम एकदम मीडियम आँच में रखना है, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको लगे दूसरी साइड थोड़ा कच्चापन है, ये देखिए ये हमारे मालपुए तैयार हो गए। इसी तरह बाकी के मालपुए तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे मालपुए बना लिए हैं। अभी इसे चाशनी में डिप करेंगे। हमें इसे एक एक करके हमें चाशनी में डिप कर लेना है। चाशनी में हमें ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, करीबन 8 से 10 सेकेंड के लिए इसे डिप करके रखना है। ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से चाशनी में डिप कर लिया है। अब इसे बाहर निकाल देना है। है ना एकदम बाजार जैसी और एकदम हलवाई स्टाइल में रबड़ी मालपुआ।
तो आप भी बनाइए और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि आपको रबड़ी मालपुआ कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।